गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। जैसे कि आपने मेरा टॉपिक देखा होगा, उस टॉपिक पे तो मैं डिस्कस करूँगी और साथ में आपको कुछ मैं बताऊँगी भी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी गार्डनिंग से। आज मैं ये जो प्लांट नर्सरी से लेके आई थी ना, वो मैं इसमें लगाने जा रही हूँ आज। वो प्लांट जो हम नर्सरी से लेकर के आए थे, अब ये देखिए मेरा एलोवेरा, ये देखिए मेरा एलोवेरा पूरा जंगल की तरह हो रहा है। आज मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। प्लांट लगाया था, इतना सा एलोवेरा का प्लांट लगाया था और भर के पूरा इतना बड़ा हो। ये देखिए गाइस, ये देखिए कितनी मोटी जड़ इधर से है और इधर का मैंने अभी कट किया है यहीं पे। अभी मैं इसको निकालूँ ना तो इतनी मोटी जड़ निकलेगी, इतनी मोटी जड़ निकलेगी पूरे गमले में। स्पेस नहीं था पूरे गमले में, इतना ज़्यादा भरा हुआ था ये। तो जी ये देखिए मैंने प्लांट लगाया है और एलोवेरा की कटिंग करी है, उसमें मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, पूरा पसीना पसीना हो गया। इतनी तेज़ धूप है और अभी सुबह के सिर्फ 9 बज रहे हैं और ये हालत है कि आप बैठ नहीं सकते थोड़ी देर। और मुझे इवन उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालना था, तो लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि अभी मैं सारी गमलों की गुड़ाई करके उसमें फर्टिलाइज़र डालूँ। तो वो मैं काम आराम से करूँगी जब मेरी बालकनी से धूप निकल जाएगी। ये देखिए गाइस, मैंने अपनी जो है बालकनी को साफ़ कर लिया है। अब इसमें सारे फर्टिलाइज़र वगैरह सब कुछ डालने हैं, लेकिन अभी धूप इतनी तेज़ है कि हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैंने अभी तो धो दिया है, अभी इसकी गुड़ाई और फर्टिलाइज़र जब डालेंगे तो फिर से गंदा होगा। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से धो लूँ। सारे प्लांट्स मेरे गर्मी की वजह से बेचारे ऐसे मुरझा रहे हैं सारे, देखिए। और मेरी दोनों बालकनी में ही ऐसे धूप आती है। तो जी चलिए अब जो है अपने प्लांट्स की गुड़ाई कर लेते हैं, और मतलब प्लांट्स की नहीं है, प्लांट्स के मिट्टियों की गुड़ाई कर लेते हैं और उसमें फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। मुझे तो ऐसा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैंने सुबह जो है मैंने प्लांट्स लगाए थे ना, मैंने पानी डाल दिया था। तो चलिए अब कर लेते हैं, पानी तो अब सूख गया होगा। हो गया मेरा ये काम भी, देखिए इस टाइम अभी धूप यहाँ पे आके चली गई। अब इजली बैठ करके इस टाइम जो है ये सारे काम इजली हो गए, वरना सुबह तो इतनी तेज़ धूप थी मतलब थोड़ी देर बैठे थे और एकदम पसीने से भीग गए थे पूरा। ये देखिए जी, ये मेरा गिलोय है, ये मेरा कड़ी पत्ता है, ये गुलाब का स्टेम लगाया मैंने, ये जो नर्सरी से प्लांट लेके आए थे, ये एलोवेरा जो कटिंग करी है मैंने सुबह, ये हमारी तुलसी जी हैं, ये हमारा मनी प्लांट है, ये पता नहीं किस चीज़ का प्लांट निकल रहा है, ये जीड प्लांट है, ये देखिए हिबिस्कस है, गुलाब की डंडी है, ये मेरा पुदीना है, ये देखिए इसमें जो है गेंदा भी लगा हुआ है, और ये देखिए लहसुन की पत्तियाँ निकली हैं ये सारी, और इसमें धनिया के बीज डाले हमने, और ये छोटा सा वो है लक्ष्मण बूटी है, धनिया के बीज डाले ये सारे। तो जी अब बात कर लेते हैं अनीता जी के किचन के बारे में। तो आप लोग में से बहुत लोग मतलब उनको जानते होंगे, उनके फॉलोअर्स होंगे, उनको पसंद करते होंगे, उनके बहुत सारे चैनल हैं, मतलब अनीता जी की दुनिया है, अनीता जी का किचन है, मेरे हाथ का स्वाद है, लाला जी का ढाबा है, मतलब बहुत सारे हैं मतलब। तो उसमें से क्या होता है, और सारे चैनल मतलब एक से बढ़कर एक होते हैं। तो मैंने कल उनका देखा था कि अनीता जी की दुनिया के चैनल पे मैंने देखा था कि अनीता जी का जो किचन वाला चैनल था वो डिलीट हो गया था, चैनल किसी ने हैक कर लिया था या मतलब जो भी था उनके यूट्यूब से वो चैनल डिलीट हो गया था। अब वो जब मतलब मुझे मैंने देखा तो मुझे इतना मतलब बुरा लग रहा था, जब मुझे बुरा लग रहा था तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा जो इनके इस चैनल के पीछे जिन्होंने इतनी सारी मेहनत करी है। मतलब मैंने देखा था अनीता जी मतलब ऐसे रो रही थी और कुछ लोग उन पे कमेंट करके जा रहे थे कि मतलब जो है ये ड्रामा कर रही है, सिंपैथी गेन कर रही है, और ये सब मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ऐसे भी लोग होते हैं कि मतलब। और क्या होता है कि चैनल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
लोगों को डर लगता है कि मतलब वो इतनी मेहनत से सारी चीजें करते हैं, मतलब वीडियो शूट करना, उसको एडिट करना, अपलोड करना, थंबनेल सेट करना, हर एक चीज में जो है आपको टाइम चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है। यूट्यूब्स पे भी मतलब जो है कुछ पॉलिसीज है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो हाँ, वो चीज तो फॉलो होती है, लेकिन एक ये चीज अलग है और जो चैनल्स को हैक करते हैं वो चीज अलग है। तो मैंने जब इनका देखा तो मतलब ऑब्वियस ये भी डर लगेगा, क्योंकि भाई मैंने भी यूट्यूब शुरू किया है। बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि अरे आपका क्या है, अभी तो आप कितने छोटे से लेवल पे, कितने आपके सब्सक्राइबर हैं। तो ठीक है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, चैनल छोटा हो बड़ा हो, डर तो सबको ही लगता है, क्योंकि मतलब मेहनत करते हैं। मुझे पता है, मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में कि अरे बस कैमरा पकड़ लेना है और शूट करके मतलब वीडियोज अपलोड करनी है। लेकिन जब ये काम मैंने शुरू किया तब मुझे पता चला कि इसमें कितनी सारी मेहनत लगती है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आते हैं, निगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ लोग होंगे जो आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं। लेकिन ठीक है, मतलब मैंने भी ये सोचा था कि लोग मेरा भी मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे, लेकिन उड़ाने दो, उड़ा के वो क्या कर लेंगे, उड़ा के बस वो अपने तक ही रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4-5-6 लोग को और बता देंगे और उन लोग के साथ मेरा मजाक उड़ा लेंगे। तो उड़ाने दीजिए, उनसे जो है आपको ना कोई फर्क पड़ेगा ना मुझे कोई फर्क पड़ेगा। हमारी लाइफ है, जैसे मुझे जीनी है हम वैसे जिएंगे। जी, मैंने रात में 11 बजे के करीब मैंने देखा था कि जो है उनका जो है चैनल जो है वो वापस आ गया है। तो इस बात की मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मतलब ऑफकोर्स होगी, मतलब कि हाँ, मतलब ऐसी चीजें हो करके ऐसे मतलब हो भी सकता है, वापस भी चीजें आ सकती हैं। कई बार क्या होता है कि चैनल आपका वापस नहीं आता है, और कई बार होता है कि हाँ, चैनल जो आपका वापस हो जाता है। जी, अब बात कर लेते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो मैंने कुछ वीडियोज देखी थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब कैसे आप अपने चैनल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट है, उसका पासवर्ड जो है आप जो है हफ्ते में एक बार तो चेंज कर लें, और मतलब पासवर्ड ऐसा रखें मतलब जो बहुत स्ट्रांग हो, मतलब जो इजीली क्रैक ना हो। और जो है, और अगर आप कहीं जाते हैं तो हर कहीं का वाईफाई ना यूज करें, अगर जब तक आपको जरूरत ना हो, बहुत ज्यादा जरूरत हो तो इनकॉग्निशन मोड होता है, तो उस पे आप, वो प्राइवेट मोड होता है एक हिसाब से, अगर आप उस पे कुछ भी एक्सेस करते हैं तो सामने वाला नहीं जान पाएगा कि आपने क्या किया है। और किसी का लैपटॉप, किसी का मोबाइल, किसी के उस पे अपना लॉगिन तो बिल्कुल भी ना करें, इससे बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि आपकी आईडी हैक हो जाए। यूट्यूब से कई सारे मतलब आपको ईमेल्स भी आ सकते हैं कि आपका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं है तो इस पे क्लिक करें, मोनेटाइज हो जाएगा, इस पे क्लिक करें तो आपका जो पेमेंट अगर रुका है तो वो आ जाएगा। मतलब कई सारे ऐसे, मतलब मैंने एक एग्जांपल बताया, तो वो सारे ईमेल्स को पहले आप चेक कर लें अच्छी तरीके से कि वो यूट्यूब ने ही भेजे हैं या फिर किसी हैकर्स ने भेजे। अगर आप उस लिंक पे अगर एक बार भी क्लिक करते हैं तो उनको मतलब एक्सेस की परमिशन मिल जाती है, वो आपके मोबाइल में इजीली घुस जाएंगे, और क्या होगा कि आपका जो मतलब पर्सनल डेटा है वो आपका चला जाएगा, और जो आपके चैनल्स हैं वो हैक हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो है वो सारी चीजें, ऐसी सारी चीजें आप जो है अवॉइड कर दें। तो जी, आज ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा हो गया। वो क्या है ना कि बहुत लोग ये सारी चीजें जानते होंगे और बहुत लोग ये सारी चीजें नहीं जानते होंगे, जैसे मैं, मतलब मुझे, मैंने अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब, मुझे नहीं पता था कि मतलब जो है ये चीज तो मैं जानती थी कि जो है चैनल डिलीट हो जाता है या ये हो जाता है, लेकिन हैकिंग का इतना मतलब ऐसे हैक हो जाता है ये चीज मुझे नहीं पता था। फिर आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।